टाइप की इनकम होता है? तीन प्रकार की। तीन प्रकार की इनकम होती है, ये अभी तक किसी ने बताया आपको? नहीं पता चला अभी तक सर। पहला क्या बताया हमें? लीनियर इनकम। लीनियर इनकम। दूसरा इनकम क्या है? लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम। और तीसरा है मैडम रॉयल्टी इनकम। ठीक है, ये मुख्यतः लीगल तरीके से तीन तरीके से इनकम होता है हमारे इंडिया में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से इनकम के बारे में? लीनियर। लीनियर इनकम वो इनकम है, इस इनकम को करने के लिए जो आदमी अपने समय को बेचता है ना, और समय को बेचकर जो पैसा कमाता है उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इनकम। अब समय को कौन बेचता है? जैसे एक फैक्ट्री में नौकरी करने वाले लोग, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब। एक टीचर का भी देखना, एक टीचर भी समय को बेचता है, बेचता है कि नहीं? उसका टाइमिंग रहता है 11 बजे जाएगा और शाम को 4 बजे वापस होता है। टाइम को बेच रहे कि नहीं बेच रहे? तो जो व्यक्ति अपने समय और टैलेंट को बेचकर पैसा कमाता है उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इनकम। ठीक है, दूसरा इनकम है लेवरेज इनकम। जो व्यक्ति अपने समय को दूसरों के समय के साथ मल्टीप्लाई करके पैसा कमाता है उसे क्या बोलते हैं? लेवरेज इनकम। और रॉयल्टी इनकम किसे कहते हैं? एक बार मेहनत करने के बाद इस दुनिया में रहो या ना रहो, जिंदगी भर पैसा जाता रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? रॉयल्टी इनकम। जैसे मुख्यतः रॉयल्टी इनकम तीन लोगों को मिलता है, वैज्ञानिक, लेखक और गायक। इसके बारे में लास्ट में बात करूंगा, पहले हम बात करते हैं लीनियर और लेवरेज। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं कि लीनियर और लेवरेज इनकम होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? मिस्टर राम। क्या नाम है? मिस्टर राम। ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा। ठीक है, मिस्टर राम और एक है मिस्टर बजाज। क्या ये दो आदमी है? ये नौकरी करता है। क्या करता है? नौकरी। ये नौकरी करता है और ये एक फैक्ट्री का मालिक है। समझना इसको, इस एग्जांपल को। ये एग्जांपल मेरे को समझ में आया था। ये फैक्ट्री का क्या है? मालिक। ये एक फैक्ट्री का मालिक है। अब मैडम जी, नौकरी करने वालों का समय सीमा तो निर्धारित होता है, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, राइट? जी सर। तो ये जो मिस्टर राम है ये 8 घंटा काम करता है। कितना घंटा? 8। तो इसका एक महीने का जो सैलरी होता है मैडम वो होता है 10,000 रुपये। कितना? 10,000। ठीक है, यही होता है 8 घंटा 9 घंटे का 10,000 12,000 रुपये। जी जी। तो एक महीने में 10,000 रुपये कमाता है। तो आप लोगों को भी पता है एक महीने में मैक्सिमम कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। जी जी। जिसमें से 4 रविवार निकाल दीजिए, कितने दिन बचे? 26 दिन। और राम एक दिन की स्वयं की छुट्टी ले लिया मान लो किसी कारणवश, तो एक दिन और यहाँ पे माइनस कर दो तो कितना बचा? 25 दिन। ये एग्जांपल मेरे दिमाग में बैठ गया था मैडम। तो यानी 25 दिन वो मेहनत करता है मैडम जी, तो कितना कमाता है वो? 10,000 रुपये। तो 25 दिन का 10,000 रुपये, तो हम एक दिन का भी तो इनकम निकाल सकते हैं। 10,000 में 25 का डिवाइड कर दीजिए, कितना? 400। 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी एक दिन में वो कितना कमा रहा है? वो 400। तो एक दिन में कितना घंटा काम कर रहा है? 8 घंटा। तो 8 घंटे में 400 रुपये कमा रहा है, तो एक घंटा का भी हम इनकम निकाल सकते हैं। 400 में 8 का डिवाइड कर दीजिए, तो एक घंटा में कितना कमा रहा है मैडम वो? 50 रुपये। कितना कमा रहा है? 50 रुपये। यही होता है जी। आप बाहर में जो, यदि आप लोग हार्डवर्क नहीं किए तो बाहर में जो हार्डवर्क करने वाले लोग हैं उनको पूछ लेना एक दिन का कितना होता है, 400-500 रुपये उनका होता है। जी जी। तो माल, अब ये तो हो गया राम की कहानी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मिस्टर बजाज, जो एक फैक्ट्री का क्या है? मालिक है। क्या है? मालिक। मालिक है। अब इसके फैक्ट्री में राम के जैसे 2,000 वर्कर काम कर रहे हैं। कितने हजार? 2,000। और ध्यान रखना मैडम, कोई भी मालिक अपने नौकर को फायदे के लिए काम करवाता है, कभी नुकसान के लिए काम नहीं करवाता है। ये जो राम है ना, 8 घंटा काम नहीं करता था, 4 घंटा स्वयं के लिए काम करता था और 4 घंटा अपने मालिक के लिए। तो जब राम 4 घंटा दे रहा है तो ये 2,000 लोग 4-4 घंटा नहीं देंगे? नहीं। तो यहाँ पे 4 घंटे का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 8,000 घंटा हो गया। ठीक है, तो ये एक घंटे में कितना कमा रहा है? ये 50 रुपये। यहाँ पे एक घंटे का आप इनकम निकाल दीजिए, 8,000 घंटा में
आठ हजार घंटा में 50 रुपए का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 8 5 40 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना हो गया? एक घंटा की इनकम कितना हो गया इसका? 4 लाख रुपए। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? जी सर। तो यहाँ पे एक दिन का इनकम भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना? 8000 घंटा में 400 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक दिन में 400 रुपए कमा रहे हैं, तो ये 8 4 32 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी एक दिन में कितना कमा रहे हो? 32 लाख रुपए। है कि नहीं? अब आप लोगों से मेरा सवाल है, भगवान ने मिस्टर राम को भी 2 हाथ 2 पैर दिया है और बजाज को भी 2 हाथ 2 पैर दिया है, 24 घंटा भगवान इसको भी दिया, 24 घंटा इसको भी दिया है, बट आखिर क्या रीजन है जिसके वजह से ये एक घंटे में 50 रुपए कमा रहा है और ये एक घंटे में 4 लाख रुपए कमा रहा है, और ये एक दिन में 400 रुपए कमा रहा है और ये एक दिन में कितना कमा रहा है? 32 लाख रुपए। व्हाट इज रीजन, क्या रीजन है सर? ये क्या है, हार्ड वर्क कर रहा है और ये इसका स्मार्ट वर्क चल रहा है, और ये अपने टाइम को बेच रहा है, चार घंटा टाइम को बेच रहा है, किसकी कंपनी में? मालिक की कंपनी में। और जब तक ये समय को बेचेगा तब तक पैसा आएगा, और समय बेचना बंद तो पैसा बंद। यदि एक दिन भी छुट्टी मारेगा तो क्या लगता है उसका पैसा 400 रुपए कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा, 100% कटेगा। लेकिन ये एक महीना अपने परिवार के साथ थाईलैंड चला गया, बैंकॉक चला गया, तो क्या इसका पैसा रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। इसे ही कहते हैं मैडम जी लीनियर इनकम, और इसे कहते हैं लेवरेज इनकम। लीनियर इनकम ये क्या कर रहा है, समय को बेच रहा है, और ये अपने समय के 2000 वर्करों के समय के साथ में क्या कर रहा है, गुणा करके पैसा कमा रहा है। इसको इंग्लिश में एक्टिव इनकम भी बोलते हैं और इसको पैसिव इनकम भी बोलते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है, जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा, नहीं करोगे नहीं। और यह है पैसिव इनकम, यानी काम नहीं भी करोगे तो यहाँ पे 100% आपको इनकम आता रहेगा। यदि एक बार आपने काम कर ले तो आपको फिर ना काम नहीं भी करना पड़ेगा तो आपको इनकम, समझे कि नहीं? ये है पैसिव इनकम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेवरेज इनकम, ठीक है। और यही वो रीजन है मैडम जिसकी वजह से एक गरीब गरीब से गरीब हो रहा है और एक अमीर से अमीर हो रहा है। ये एक ऐसा फार्मूला है मैडम, जिसने समझ गया आज वो दुनिया में राज कर रहा है। मुकेश अंबानी जी क्या कर रहे हैं, लेवरेज इनकम कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों उसके यूजर हैं भारत, है कि नहीं? बट अब आप मुझे ये बताइए, आप लोगों से सवाल है, बजाज बनने के लिए मैडम आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, क्योंकि बजाज क्या खोल के रखा है, फैक्ट्री की। तो फैक्ट्री खोलने के लिए मैडम जी फैक्ट्री 10-20 रुपए में तो नहीं खुलता होगा, करोड़ों रुपए पैसे चाहिए। क्या चाहिए? करोड़ों रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। पैसा होने से कुछ नहीं होता है, फैक्ट्री डालने के लिए आपके पास जमीन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लोग होना चाहिए, है ना? फिर जानकारी होना चाहिए, तभी तो आप फैक्ट्री चला पाओगे। फिर रिस्क लेने की क्षमता होना चाहिए, आपने पता चला कंपनी खोले, है ना, रिस्क लेने की क्षमता होना चाहिए, है कि नहीं? जी सर। उसके बाद में छठवा, पहुंच होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मैडम जी फैक्ट्रियों में लोगों की जान भी जाती है। जी सर। तो उस केस को दबाने के लिए कलेक्टर विधायक के साथ में पहुँच होना चाहिए ना। जी जी। उसके बाद में दादागिरी होना चाहिए, यदि ये 7 चीज़ हैं तब तो आप ये फैक्ट्री आसानी से खोल सकते हो और आप भी बजाज की तरह पैसा कमा सकते हो। अब क्या ये आपके पास नहीं, ये 7 चीज़ हैं? नहीं सर। क्या आपके पास करोड़ रुपए पैसे हैं? नहीं। जमीन है? नहीं। लोग तो मिल जाएंगे, जानकारी, रिक्स लेने की क्षमता। रिक्स लेने की क्षमता क्यों बोला मैं, क्योंकि बाय द वे आपने करोड़ों की कंपनी खोले और दुर्घटनावश आपकी कंपनी में आग लग गई तो आप तो पागल हो जाओगे, दिवाली हो जाओगे कि नहीं? जी जी। पहुंच होना चाहिए, दादागिरी होना चाहिए, तब जा करके मैडम जी हम लोग फैक्ट्री खोल सकते हैं, है कि नहीं? जी सर। तो ये चीज़ हमें भी, मुझे भी बताया गया था जब मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग में आया था, तो ये चीज़ बताया गया। तो अब हम करें तो क्या करें, है ना? तो एक ऑप्शन है मैडम जिसका नाम है यू टैग। क्या नाम है? जिसका नाम क्या है? यू टैग। इसको करने के लिए ना आपको डिग्री चाहिए, ना आपको डिप्लोमा चाहिए, ना करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना रिस्क, ना कोई लायबिलिटी, है ना? ना आपको मेडिकल टेस्ट देना है, ना फिजिकल टेस्ट देना है, ना तो कोई इंटरव्यू देना है, ना कोई एग्जाम फाइट करना है, राइट? जी सर। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं सर।
ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप टीम बनाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो यूटेक को करने के लिए ना आपको डिग्री ना डिप्लोमा कुछ नहीं मैडम, है कि नहीं। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं, यूटेक का पूरा नाम क्या है, यूटेक कंपनी का पूरा नाम क्या है, यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर सन 2020 में। कंपनी के सीएमडी सर का नाम, इसके जन्मदाता का नाम मिस्टर चंद्रभान सिंह राजावत सर, है ना, चंद्रभान सिंह सर, ठीक है। और कंपनी के एमडी सर का नाम क्या है, मिस्टर विनोद प्रजापत सर, ठीक है ना, राइटिंग समझ में आ रही है ना जी सर, ठीक है जी। और कंपनी को चलते हुए कितना साल हो चुके हैं, 2020 और अभी क्या चले 2024, यानी 4 साल रनिंग चल रहा है, रनिंग में चल रहा है कि नहीं, चौथा साल अभी रनिंग में चल रहा है। और लगभग इसके 20 लाख यूजर हो चुके हैं और बहुत तेजी से भारत में ग्रोथ कर रही है कि नहीं जी सर। ग्रोथ करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, प्ले स्टोर में मैडम इसके दो एप्लीकेशन है, कितने एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन, यूटेक के प्ले स्टोर में दो ऐप्स हैं, एक तो सर्विस ऐप्स है ना, एक सर्विस ऐप और दूसरा क्या है, बिजनेस ऐप, बिजनेस ऐप्स। तो जो सर्विस एप्लीकेशन है ये फोन पे गूगल पे पेटीएम का लगभग 90% वर्क कर रही है, प्योर आप फोन पे गूगल पे की तरह काम नहीं करते, ध्यान रखना मैं यहाँ पे कितना बोलूँ 90%, ठीक है। जैसे मैडम जी आज के डेट में हर व्यक्ति के पास में फोन पे गूगल पे पेटीएम है, बट फोन पे गूगल पे पेटीएम से हमको और आपको क्या मिल रहा है, कुछ बेनिफिट हो रही क्या, उल्टा रिचार्ज करने पे 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए एक्स्ट्रा आपका जा रहा है आपके अकाउंट से। अब आप सोचो यदि भारत में फोन पे के 2 करोड़ यूजर हैं, कितने करोड़, 2 करोड़ यूजर है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000,00,000,10,00,000 करोड़, है ना, 2 करोड़ यूजर है और वो 2 रुपए भी काटता है मैडम जी, तो 4 करोड़ रुपए एक झटके में कमा लेता है। दैट्स पावर ऑफ नेटवर्क। हम लोग शर्म करते हैं और आज यही काम करके आदमी कहाँ से कहाँ है, क्या किया उसने, नेटवर्क ही तो बनाया ना जी सर, हम और आप क्या हम उसके यूजर ही तो हैं, है कि नहीं। लेकिन यूटेक एप्लीकेशन आप जब जब आप यहाँ से रिचार्ज करते हैं तो आपको हर रिचार्ज में कितना परसेंट कमीशन आता, कैशबैक आता है, सॉरी कमीशन नहीं, कितना कैशबैक आता है, 2.5%। यानी आप यूटेक से जब जब रिचार्ज करोगे तो आपको कितना कैशबैक आता है, 2.5% कैशबैक आता है, ठीक है। एक एग्जांपल, आप यहाँ से 200 रुपए के रिचार्ज करोगे तो आपको कितना कैशबैक आएगा, 5 रुपए जी। और जो 2 रुपए फोन पे के दे रहे थे भी आपका बच रहा है, यानी कि 7 रुपए का सेविंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी सर। आप 300 के रिचार्ज करोगे तो आपका 7 रुपए है ना कैशबैक आएगा, 400 के रिचार्ज करोगे तो 10 रुपए के आसपास में आपको कैशबैक आता है जी सर। अब आप सोचिए मैडम, आज के डेट में हर घर में 2 मोबाइल 3 मोबाइल 4 मोबाइल 5 मोबाइल कंपलसरी है। मान लेते हैं कि आपके घर में 5 मोबाइल हैं और 1 मोबाइल में 300 रुपए का रिचार्ज हो रहा है, तो हर महीना मैडम जी 1500 रुपए का रिचार्ज हो रहा है जी। तो 1 महीने में 1500 रुपए, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने के यहाँ पे गुणा कर दो तो 18,000 से लेकर के 20,000 रुपए सिर्फ रिचार्ज ही रिचार्ज पे आप दे रहे हो, क्या 1 रुपए भी आपका बच रहा है, नहीं सर। लेकिन यही 18,000 से 20,000 रुपए का रिचार्ज आप यूटेक से करते हो और सालाना आपका 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए की आपकी सेविंग होती, तो आपका क्या नुकसान है, लाखों रुपए हमारे रिचार्ज पे जा रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं। यदि 1 साल में 20,000 रुपए जा रहा है, 1 साल में, तो एक इंसान की जिंदगानी कितने साल की होती है, 50-60 साल, यहाँ पे 60 साल का गुणा कर दीजिए मैडम, 6 दूनी 12, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000,00,000,10,00,000 12 लाख रुपए मैडम आपका मोबाइल रिचार्ज में जा रहा है जी सर। आप मोबाइल तो 10-15,000 रुपए का खरीद रहे हो लेकिन लाखों रुपए आप रिचार्ज में दे रहे हो, 1 रुपए भी सेविंग नहीं हो रही है। तो अब आप मुझे ये बताइए कहाँ से रिचार्ज करना उचित है, फोन पे गूगल पे पेटीएम से या यूटेक से, यूटेक से।
ठीक है। अब मैं बताना चाहूँगा एप्लीकेशन भी दो मॉडल पे काम करती हैं, एक होता है B2C और एक होता है मैडम B2B। ठीक है, B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। हमारे और आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन है वो हमको सिर्फ ग्राहक बना के छोड़ दिए हैं, कस्टमर बना के छोड़ दिए हैं। ऐप्स को हम चला रहे हैं लेकिन हमारे वजह से अरबपति खरबपति कौन है जिन्होंने ऐप्स को बनाया। और यूटेक मैडम जी B2B मॉडल पे काम करती है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे। ये आपको सर्विस तो दे रही है साथ में आपको बिजनेस करने का भी अवसर दे रही है, आप यहाँ से लाखों यानी करोड़ों रुपये अर्निंग भी कर सकते हो। ठीक है, और यूटेक के अंदर में रिचार्ज का ही ऑप्शन नहीं है, आप यहां से सभी सर्विसों का फायदा ले सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए है ना, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, मोबाइल प्रीपेड, DTH, केबल टीवी, फास्टेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल पोस्टपेड, वाटर बिल, सब्सक्रिप्शन, लैंडलाइन पोस्टपेड, ब्रॉडबैंक पोस्टपेड, डेटा कार्ड प्रीपेड, डिजिटल वाउचर है ना। इसके बाद खुशी की बात ये है LPG गैस HP पे कोड यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम से आप जब जब पेट्रोल डलवाओगे तो आपको गारंटेड कैशबैक मिल रहा है। 100 रुपये का पेट्रोल डलवाओगे तो लगभग 25 पैसे से लेकर के 50 पैसा आपको कैशबैक आ रहा है। LIC के प्रीमियम यहाँ से भर सकते हैं आप, लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन फीस, लोन रीपेमेंट कर सकते हो। इसके बाद में ये हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी, हाउसिंग सोसाइटी, म्यूनसिपल सर्विस, म्यूनसिपल टैक्सेस, पैन कार्ड, डिजिटल डीमैट अकाउंट, इंस्टेंट पैन कार्ड, ये सब सर्विस आपको यूटेक में भी मिल जाएगा। मतलब मनी ट्रांसफर को छोड़ करके लगभग हर सर्विस आपको यूटेक प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, समझ गए जी सर। तो ये रहा यूटेक सर्विस एप्लीकेशन। अब हम आगे बात करते हैं यूटेक बिजनेस के बारे में। देखिए मैडम, आप लोग भी पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, आपको भी पता है कोई भी बिजनेस फ्री में शुरू नहीं होता है, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ लागत लगानी पड़ती है कि नहीं जी सर। जैसे किसान जब तक फसल की बुआई नहीं करेगा तब तक फसल उगा नहीं सकता है कि नहीं। और दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो फ्री में शुरू होता है, बताओ? कोई सा काम नहीं सर, कोई काम नहीं है। आपको छोटा सा किराना दुकान भी खोलना है तो वहाँ पर भी आपको हजारों लाखों रुपये लगानी पड़ेगी। लेकिन मैडम इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको हजारों लाखों रुपये लगाने की जरूरत नहीं है, ना के बराबर इन्वेस्टमेंट। आप 590 रुपये से भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, है ना। मतलब बिजनेस शुरुआत करने के लिए आपको 500 बिजनेस वैल्यू करना पड़ता है जिंदगी में फर्स्ट और आखिरी बार। कितना बीवी? 500। तो 500 बिजनेस वैल्यू आप 590 रुपये से भी कर सकते हो। एक टी शर्ट है हमारी कंपनी में जिसका रेट है कितना, DP रेट है 799 रुपये, इससे भी शुरू कर सकते हो। 690 रुपये में कंपनी आपको टाई दे रही है, आप उससे भी शुरू कर सकते हो, है ना। मिक्स बेरी जूस है जिसका रेट है 1650 रुपये, उससे भी आप शुरू कर सकते हो। यदि आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो आप इससे भी शुरू कर सकते हो, इससे भी शुरू कर सकते हो। 1650 रुपये में मिक्स बेरी जूस भी आपको मिल रहा है, यानी वेलनेस के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे कंपनी के अंदर में, उससे भी शुरू कर सकते हो। यानी कि 500 BV आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक बार करनी पड़ती है। तो हम छोटा सा एक अमाउंट है जो 590 रुपये हम ज़्यादातर इसको प्रमोट करते हैं जी सर। 590 रुपये लग कहाँ पर रही है तो मैं बता दूँ आपको, 500 रुपये के बदले में कंपनी आपको दे रही है 5 ई-बुक। क्या दे रही है? 5 ई-बुक। इस बुक को पढ़कर आप अपने स्किल का डेवलपमेंट कर सकते हैं। और 90 रुपये ये जाती है मैडम जी गवर्नमेंट के पास, 18% GST। कहाँ चली जाती है ये? गवर्नमेंट के पास। टोटल मिला के कितना हो गया ये? ठीक है, इसके बाद आप यहां से टोटल 12 तरीके से पैसा कमा सकते हो। पहला है कैशबैक। क्या कैशबैक? तो कैशबैक तो मैं आपको समझा चुका हूं जी सर। दूसरा इनकम है मैडम जी रेफर इनकम। क्या? रेफरल इनकम, ये जिसको हम लोग टीम सेल्स कमीशन भी बोलते हैं। रेफर इनकम क्या है? जब आप किसी व्यक्ति को शेयर करते हो इस बिजनेस के बारे में बताते हो, है ना, और यदि उसको अच्छा लगा, वो भी इस ऐप्स को डाउनलोड करता है और 590 रुपये का ई-बुक शॉपिंग करता है, तो तुरंत आपको 40% कमीशन 500 बिजनेस वैल्यू का। कितना? 40%। 500 BV का 40% कमीशन आपको तुरंत मिल जाता है। ठीक है, यानी 200 रुपये आपके पास में तुरंत आ जाता है। अब हम एक एग्जांपल मान लेते हैं, एक उदाहरण लेके चलते हैं कि आप इस बिजनेस में 10 लोगों को लेकर आए। कितने को? 10। तो 10 में 200 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका इनकम कितना हो गया? 2000। एक उदाहरण,
आपकी मर्जी है, चाहे आप 10 को लेकर आओ या 10,000 को लेकर आओ या 10 करोड़ को लेकर आओ, यहाँ पे कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। अब क्या लगता है जिन 10 को आप लेकर आ रहे हो चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं सर। यदि वो 10 लोग, ज़्यादा नहीं, 10-10 लोगों को रेफर करते हैं, तो आपका टीम बढ़कर कितना हो गया? 16 का। यहाँ से आप पैसिव इनकम कमाना शुरू हो गया। मैं बोला था ना कि आप यहाँ पर भी टीम बना सकते हो, यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, है कि नहीं? ठीक है। अब ये 100 लोग, यहाँ से आपको कमीशन कितना आता है? 40 रुपये। दूसरे लेवल से 8% कमीशन। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका इनकम कितना हो गया बढ़ करके? 4,000। इनकम बढ़ रही घट रहे? बढ़ रहा है। अब ये सिलसिला तो चलता रहेगा, क्योंकि परिवार बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। अब ये 100 लोग, यदि ये भी 10-10 लोगों को रेफर किए, तो आपका टीम साइज कितना हो गया? 1,000 का। यहाँ से भी आपको कमीशन आएगा तीसरे लेवल से 20 रुपया। यहाँ पे गुणा कर दीजिए मैडम जी, तो आपका इनकम कितना हो गया? 20,000 रुपये। ठीक है। अब ये 1,000 लोग, यदि ये 10-10 लोगों को लेकर आते हैं, तो आपका टीम हो गया कितना? 10,000 का। यहाँ से कमीशन आएगा आपको कितना? 10 रुपया। यहाँ गुणा कर दीजिए तो आपका इनकम बढ़कर कितना हो गया मैडम? 1,00,000। राइट जी सर। अब ये सिलसिला मैडम जी आपका चलता रहेगा, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी, है ना, वैसे वैसे आपका इनकम भी बढ़ते जाएगा। 1,00,000 के बाद में 5,00,000, है ना, 5,00,000 के बाद में 50,00,000, ये इनकम आपका क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। आप लगा कितना रहे हो मात्र? 590। और आप यहाँ से मैडम जी लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हो, भी अपने स्मार्टफोन से। अब आप मुझे ये बताओ, इतना रुपए कमाने के लिए क्या आपने करोड़ रुपए लगा के फैक्ट्री खोली? नहीं सर। क्या इसको करने के लिए आपको डिग्री लगा, डिप्लोमा लगा? फिर भी आप यहाँ पे टाइम का मल्टीप्लाई करके बड़ा पैसा अर्निंग कर सकते हो, है कि नहीं? और मैं बता दूँ, यदि आपको 2040 तक आते आते महंगाई का सामना करना है, तो आपको लेवरेज इनकम ही करना पड़ेगा, नहीं तो जिस गति से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं जी सर? आज के डेट में 10,000-20,000 रुपये से कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ जिंदगी कट रही है, चल नहीं रही, जरूरतें पूरे हो रहे हैं, सपने पूरे नहीं हो रहे हैं मैडम। यदि आपको हकीकत में रियल में सपने पूरे करने हैं, तो आपको टाइम को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, बड़ा पैसा कमाना ही पड़ेगा। और बड़ा पैसा कमाने के लिए एक ही मार्ग है, टाइम का मल्टीप्लाई, टाइम का मल्टीप्लाई, टाइम का मल्टीप्लाई, टाइम का मल्टीप्लाई। और टाइम मल्टीप्लाई कब होगा? जब आपके नीचे लोग काम करेंगे, है कि नहीं? तभी जाकर के आप बड़ा पैसा कमा सकते हो, नहीं तो बड़ा पैसा कमाने का कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। ठीक है, समझ आया रेफर इनकम? अब दूसरा, इसके बाद में हम बात करते हैं अब रॉयल्टी इनकम। ठीक है, इनकम रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम क्या होता है? एक बार मेहनत करने के बाद, इस दुनिया में रहो या ना रहो, जिंदगी भर पैसा जाता रहता है। जैसे रॉयल्टी मैडम जी 3 लोगों को मिलता है, पहला वैज्ञानिक, लेखक और गायक। वैज्ञानिक जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया, आज वो धरती में है क्या? नहीं है, लेकिन उनका बनाया हुआ बल्ब आज भी बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? जी बिक रहा है। और जब तक बल्ब बिकेगा तब तक पैसा जाता रहेगा। लेखक जैसे मुंशी प्रेमचंद आज इस दुनिया में नहीं है, गायक जैसे लता मंगेशकर जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका गाना सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे लोग? तो ये 3 लोगों को रॉयल्टी जाता रहता है। अब मैडम जी देखिए ना, तो हम वैज्ञानिक बन सकते हैं, ना तो लेखक बन सकते हैं, ना गायक बन सकते हैं, लेकिन एक बार इस बिजनेस में क्या बन सकते हैं? सिल्वर। क्या बन सकते हैं? सिल्वर। सिल्वर तो कंपनी का जो पहला रैंक है मैडम जी, वो कौन सा रैंक है? ब्रॉन्ज। ठीक है, इस रैंक को लेने के लिए हमको 7500 बिजनेस वैल्यू करना होता है। कितना? तो 7500 बिजनेस वैल्यू कैसे होता है? जब आप 15 लोगों की टीम बना लेते हैं। कितना? 15 लोगों की। क्योंकि एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग से हमें 500 बिजनेस वैल्यू मिलता है, तो कंपनी के पास में 1000 बिजनेस वैल्यू का भी समान है। यदि आप 1000 बीबी के 8 लोगों को ज्वाइन करा लिए, तो भी आपका 15 लोगों की करने की जरूरत नहीं है, 15 लोगों का टीम बनाने की जरूरत नहीं। यदि आपने 1000 बिजनेस वैल्यू से 8 व्यक्ति को ज्वाइन करा लिए, तो 8000 बिजनेस वैल्यू हो गया। हमको करना कितना है? 7500। लेकिन आपका 8000 बीबी हो गया। लेकिन एग्जांपल मानते हैं कि आपने 15 लोगों का टीम बनाया, तो आप इस कंपनी में क्या बन जाते हो? ब्रॉन्ज। और कंपनी की तरफ से एक ज़बरदस्त सुविधा दे रही मिल रही है मैडम, जिसका नाम क्या है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूँ। क्या नाम है ये देखिए, लिखा हुआ फैमिली फाइनेंशियल हेल्प। अभी एक व्यक्ति का नाम सो रहा है, जिसका नाम है लाला राम। क्या नाम है? लाला राम। ये व्यक्ति 15 लोगों का टीम बनाया और इस दुनिया में नहीं रहा। सोचिए, आज के डेट में हम लोग परिवार सुरक्षा के लिए LIC में बीमा करवाते हैं,
हम ना रहें तो हमारा परिवार भूखा ना मरे, ठीक है। LIC में हम लोग बीमा करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन LIC में बीमा कराने के बाद हर महीना लोग प्रीमियम भरते हैं 10,000-15,000। मेरे साथ बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं जो हर महीने प्रीमियम भरते हैं। लेकिन यदि यूटेक में आपने 15 लोगों का टीम बनाने के बाद दुर्घटनावश आप इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन लाइफ की क्या गारंटी है? जी सर, है कि नहीं? आए तो जाना तो निश्चित है। तो कंपनी क्या करती है, आपकी ID को 10 से 15 दिन के लिए पूरे ऑल ओवर यूटेक में प्रमोट करती है। जैसे अभी ये लाला राम जी का नाम शो हो रहा है, ये देखिए, है ना जी। जी, इनका मेंबर ID भी दिख रहा है और यहाँ पे उनकी मैडम का नाम जो नॉमिनी में नाम दिया हुआ था, ठीक है। अब आप सोचो, लगभग 20 लाख यूजर हैं पूरे भारत में यूटेक के। यदि 20 लाख में 1 लाख लोग 5-5 रुपये ID में डोनेट करते हैं मैडम जी, तो 5 लाख रुपये उस ID में जाएगा कि नहीं जाएगा? जी सर, मैं मानता हूँ 5 लाख में बहुत बड़ा घर नहीं बनेगा, लेकिन परिवार के लोग छोटा मोटा बिजनेस खोल सकते हैं, कितना जबरदस्त सुविधा है। दूसरा रैंक है सिल्वर। कौन सा रैंक? सिल्वर बनने के लिए आपको 37,500 BB करना होता है, और ये कब होता है? जब आपके लेवल 2 में 75 लोगों का टीम बनता है, कितना? तब जाकर के आपका 37,500 बिजनेस वैल्यू हो जाता है और आप बन जाते हैं यहाँ पर क्या, सिल्वर। और सिल्वर बनते ही टर्नओवर का 1% रॉयल्टी, कितना? टर्नओवर का कितना? 1% रॉयल्टी। यानी आप काम करो या ना करो, आपकी टीम काम करे या ना करे, आपको टर्नओवर का 1% रॉयल्टी जिंदगी भर आता रहेगा। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, ये जो रॉयल्टी इनकम आती कैसे देखो, ये 12:05 में डेली डल जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये सिल्वर की रॉयल्टी दिख रही, कितना आया है? 6 रुपये कुछ आया है, आया कि नहीं आया है? दिख रहे हैं ना? यस, दिख रहे कि नहीं जी। तो सिल्वर बनने के बाद ये रॉयल्टी इनकम है, कभी 10 रुपया भी आता है, कभी 20 रुपया भी आता है। गोल्ड बनने के इसके बाद में नेक्स्ट रैंक है गोल्ड रैंक। कौन सा रैंक? गोल्ड। और सिल्वर बनने के बाद एक फायदा और है, जब आप सिल्वर बनते हैं तो आपको टर्नओवर की रॉयल्टी तो आती है, साथ में कंपनी आपको दे रही है मैडम जी 15,000 रुपये क्या, मोबाइल फंड रिवार्ड इनकम। क्या दे रही है? मोबाइल फंड, यानी मोबाइल खरीदने के लिए भी कंपनी आपको पैसा दे रही है। गोल्ड रैंक। कौन सा रैंक? गोल्ड बनती ही कंपनी आपको देती है 1.50% टर्नओवर का रॉयल्टी और साथ में 1,21,000 रुपये क्या देती है? दे रही है 1,21,000 रुपये बाइक फंड रिवार्ड इनकम, ठीक है, और टर्नओवर का 1.5% रॉयल्टी। साथ में कंपनी की तरफ से कोई भी एनिवर्सरी प्रोग्राम होगा तो आपके लिए वहाँ पर रहना खाना फ्री रहेगा। अब जैसे अभी देखो ये गोल्ड की रॉयल्टी कितना आ रहा है, 50 रुपये, कभी 60 रुपये तक, कभी 100 रुपये भी आता है। यानी इस रैंक पे जाने के बाद आपको बिना मेहनत के भी ये पैसा, ये देखो 12:05 में डल जाता है। ये बढ़ता रहे घटता रहता है, देखो कल 12 तारीख के देखो कल बढ़ गया रहा होगा, है ना, कभी घट जाता है कभी बिजनेस बढ़ जाता है, बिजनेस है, इसमें इनकम फिक्स नहीं रहता है ना। ये देखिए कल की कितना दिख रहा है, गोल्ड की रॉयल्टी 55 रुपये, प्लेटिनम की रॉयल्टी कितना दिखी 467 रुपये और सिल्वर की रॉयल्टी 7 रुपये दिख रहे हैं कि नहीं। तो जब आप गोल्ड बन जाते हैं तो मान लो एवरेज कि आपको डेली का 100 रुपये, तो एक दिन में 100 रुपये, तो 30 दिन में कितना आ गया? 3,000। ये नॉन वर्किंग इनकम है, बिना काम की इनकम आ रहा है। सिर्फ आप किस रैंक पे जाना है और बाकी ये हर महीने के 5 तारीख को ये आपको ये डलना शुरू हो जाता है, ठीक है, समझ में आएगी? नहीं। नेक्स्ट रैंक है मैडम जी प्लेटिनम। जब आप प्लेटिनम बनते हैं तो आपको 1.75% टर्नओवर की रॉयल्टी आती है, ठीक है, और साथ में 6,51,000 रुपये कंपनी आपको दे रही है कार खरीदने के लिए कार फंड रिवार्ड इनकम, 10,000 रुपये आपको एयर टिकट, क्या यानी फ्लाइट में सफ़र करने के लिए, और कंपनी की तरफ से कोई भी एनिवर्सरी प्रोग्राम होगा तो आपके लिए वहाँ पर सब कुछ फ्री रहे, ठीक है। अब ये एक प्लेटिनम को डेली का कभी 500, कभी 600, कभी 700 रुपये डेली जाता है। मैं मान लेता हूँ एक एग्जांपल, यदि 700 रुपये आपको डेली जा रहा है एक प्लेटिनम को, तो 30 दिन का कितना हो गया, 21,000 रुपये मैडम जी ये डेली आपको जाएगा। और जब आप प्लेटिनम बनोगे तो आपको ये सिल्वर की रॉयल्टी आएगी, है ना, ये गोल्ड की रॉयल्टी आएगी और प्लेटिनम की रॉयल्टी आएगी, समझ गए। और नेक्स्ट रैंक है मैडम जी डायमंड। क्या डायमंड बनते ही आपको टर्नओवर का 2% रॉयल्टी, ठीक है, और 1 करोड़ रुपए क्या
लग्जरी स्कार्फ एंड रिवार्ड इनकम, क्या लग्जरी स्कार्फ एंड रिवार्ड इनकम 1 करोड़ रुपए और 30,000 रुपए कंपनी आपको दे रही है क्या, एयर टिकट और 1 इंटरनेशनल ट्रिप फ्री, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिप आपके लिए फ्री, ठीक है ना। अभी डायमंड जो मेरा खुद का अपलाइन डायमंड है उनको पर डे का कभी 8,000 रुपये, कभी 9,000 रुपये, कभी 10,000 रुपये, ये डेली रॉयल्टी जा रही है। अब एक दिन का 10,000 रुपये मान लेते हैं, है ना, तो 30 दिन का निकाल लीजिए कितना हो गया मैडम जी, 3 लाख रुपये, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये 3 लाख, ठीक है, 3 लाख खाली रिवार्ड रॉयल्टी रॉयल्टी, और बाकी रेफर इनकम अलग आएगा, रिवार्ड इनकम अलग आएगा, ठीक है ना। आप इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो, मात्र मात्र 590 रुपये, 90 रुपये, ये तो मैं डायमंड तक का सफ़र बता रहा हूँ, है कि नहीं। अब इस बिजनेस को करने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए मैडम यहाँ पे ना तो कोई टारगेट है, नो टारगेट, नो लेग मेंटेन, ठीक है, नो कैपिंग, ठीक है, नो कैरी फॉरवर्ड, ना लेफ्ट राइट का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है, और इस बिजनेस को कोई भी आदमी कर सकता है, चाहे वो गृहिणी हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, है ना, गवर्नमेंट जॉब वाला हो, प्राइवेट जॉब वाला हो, बिजनेसमैन हो, रिटायर्डमेंट हो, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकता है। उसके पास में क्या होना चाहिए, सिर्फ स्मार्टफोन। अब आप देखिए एक एक दिन का इनकम, जैसे ये है पासबुक, ठीक है, सुबह से लेकर अभी तक का इनकम मैं दिखाना चाहूँगा आपको। अभी टाइम क्या हो रहा है, वाओ 10:57, और अभी इनकम कितना हो गया, 812 रुपये, दिख रहे कि नहीं दिख रहे, दिख रहे कि नहीं दिख रहे, कितना इनकम हो गया 812, और आप लोगों से मैं बात भी कर रहा हूँ तो इनकम आ रही है। ये देखो, ये देखो 10:53 दिख रहे हैं ना, ये सुबह से लेकर अभी तक का इनकम आ चुका है 812 रुपये, और कल तारीख क्या थी, 12, दोनों तरफ मैं 12 डाल देता हूँ, कल तारीख कितना 12, ये देखो कितना 2240 रुपये की इनकम सिर्फ एक दिन के। कल भी हम सफ़र में थे, और नेक्स्ट कौन से दिन थी, 11 तारीख थी, 11 तारीख इनकम देखो कितना 2736 रुपये, और 10 तारीख इनकम देखिए, 10 तारीख इनकम कितना, दिख रहे कि नहीं, इधर से क्या ऊंचा दिख रहा है तो वो दिख नहीं रहा, ये देखो दिख रहा है, देखो कितना 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक इनकम कितना है, 32,008 रुपये, ठीक है, ये देखो है, है ना, ये लोगों की महीने की सैलरी होती है कि नहीं होती है, ये मात्र 12 दिन का इनकम है मैडम, सिर्फ एक बार यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, बार बार नहीं करनी पड़ती है। और अभी थी इस महीने की इनकम, पिछले महीने की इनकम देखोगे, पिछले महीने कौन सा महीना था, जनवरी, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का इनकम देखो, 97,099 रुपये, हाँ। अब दिसंबर महीने की इनकम देख लो, 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का इनकम 91,183 रुपये, कम है, नहीं तक बहुत बड़े मान। अब आप बताइए, हम और आप किस लिए पढ़ाई करते हैं, पैसे के लिए, पैसे के लिए। यदि मैं आपको लोगों को बॉर्डर में भेज दूँ नौकरी करने के लिए और आपको सैलरी ना मिले तो क्या आप वहाँ पे जॉब करोगे, नहीं।